खरगोन में शादी का झांसा देकर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने पुलिस एफआईआर के डर से अजाक थाने में युवती से शादी रचाई और कुछ दिन बाद उसे भगा दिया। वहीं पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। 26 वर्षीय युवती ने एसपी कार्यालय पहुंचकर यह सनसनीखेज का खुलासा किया कि मैं बड़वा के कतोरा गाँव में रहती हूँ और 28 वर्षीय विकास पाटीदार ने मुझे शादी का झांसा देकर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रखा और शारीरिक संबंध बनाकर मुझे धोखा देता रहा, जिसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने युवती को मामले की जांच करके उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। खरगोन से संवाददाता जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है मामला सर? इनके बेड़िया थाने से फरियादी आई हुई थी, अनुसूचित वर्ग की थी और एक अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की किसी व्यक्ति के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, नोटरी पे विवाह किया हुआ है और अब उनकी वापस में नहीं बन रही है और लड़की ने उसको साथ रखने से मना कर दिया। उस संबंध में वो शिकायत करने आई थी तो अजय डीएसपी साहब हैं हमारे यहाँ खरगोन जिले के, उनको जांच के लिए दिया हुआ, जो जांच के बाद जैसे निष्कर्ष आएंगे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, लड़की कह रही है कि शादी भी कर ली और उसके बाद परिवार वालों ने भगा दिया, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ तो कह रही है तो हम मान रहे हैं ना, उस पर जाँच होगी, यदि वंदा होगा तो ये करेंगे, यदि शादी स्थापित होती है तो फिर 498 और अन्य धाराओं पर कार्रवाई होगी जो पारिवारिक मामलों में हम लोग करते हैं। शिकायत करने क्या शिकायत? विकास पाटीदार जो 5 सालों से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, मुझे शादी का झांसा दिया उसने कि मैं तेरे से ही शादी करूंगा और मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। 5 साल होने के बाद जब मुझे पता चला कि उसकी शादी कहीं और हो रही है, वो भी उसके फ्रेंड द्वारा पता चला, जब मैं उसके घर पे गई, उससे बात की, उसके माँ बाप ने मेरे से गाली गलौज की, बदतमीज वगैरह बोला और बोला तू भलाई समाज की है, तुझे अंदर नहीं आने देंगे, तेरे हाथ का खाना नहीं खा सकते, नीच समाज का बोला, बहुत सारे गलत शब्दों का उपयोग किया और मुझे घर से भगा दिया। फिर मैं थाने पे आई 28 तारीख को प्रकोष्ठ थाने पे रिपोर्ट दर्ज करने, उस दिन रिपोर्ट दर्ज की, उसको बुलाया, गिरफ्तार किया उसी दिन मंडलेश्वर थाने पे और 29 तारीख को सुबह उसको यहाँ खरगोन प्रकोष्ठ थाने पे लाया गया और उसने उस दिन मेरे से शादी कर ली। शादी करके जब वो मुझे ले गया 29 तारीख को तो मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, बोला तू नीच समाज की है, तूने मेरे से शादी कर ली है, बहुत सारे गलत शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। 8-9 दिन तक मारपीट करते रहे, मैं थाने पे जाने की कोशिश की, मुझे जाने भी नहीं दिया, मोबाइल वगैरह तोड़ फोड़ कर दिया। आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी प्रकोष्ठ थाने पे, खरगोन। रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नोटरी हुई है। अब क्या कह रहे हैं वो परिवार? वो अब रखना नहीं चाहते, वो बोलते तो भलाई समाज की है, इस समाज को हम कैसे घर में आने दे, इसे बोलते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ। कार्रवाई से बचने के लिए शादी की? हाँ, उसने कार्रवाई से बचने के लिए शादी की, जेल जाने से बचने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।